अब मैं जा रहा हूँ खेत में, देखते हैं खेत में जाके और उसमें से लीक कहाँ से हो रहा है। शायद मैंने ढक्कन ढीला छोड़ दिया, ऊपर कस लेता हूँ उसको। सख्त आदेश मिले कि खेत में चप्पल खोल के जाना है। तो ये स्टार्ट हो गया है स्प्रे। यहाँ तो पहला टैंक हमने कर दिया है ख़त्म दवाई का। अब इसके बाद हम, मम्मी वहाँ से चिल्ला रही है कि वीडियो मत बना, वीडियो बनाने मत रहे, दवाई भी डाल ले। वीडियो तो मैं अभी बना रहा हूँ, तब से दवाई डाल रहा था। पेड़ों को भी देख ले, पेड़ दबेंगे बोल रही है मम्मी। पेड़ों को ही देख रहा हूँ मैं तब से, हर समय वीडियो थोड़ी बना रहा हूँ। अब दूसरे टैंक में पानी भरते हैं, पानी पी लेता हूँ। दूसरा टैंक लेकर के हम लोग आ गए हैं खेत में और अभी करते हैं स्प्रे चालू। और अभी धूप तो नहीं है, मौसम भी ठीक है, फटाफट से कर लेते हैं इसको भी स्प्रे। स्प्रे हो गया चालू, तो खेत के इस पार्ट तक हो चुका है स्प्रे पूरा। और अभी देखो पसीना कितना आ गया मुझे, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। बारिश होने से पहले मेरे को कर लेना है ताकि इस स्प्रे का असर सही से हो जाए इंसेक्टिसाइड्स का, इंसेक्ट्स के ऊपर। तो चलते हैं फिर से टैंक भरने। टैंक भर रहे हैं हम इधर। अब वीडियो बन गई होगी बल। वीडियो बन गई होगी, बड़ी परेशानी है इन लोगों को वीडियो से। एलओसी में भी हम लोग दवाई डाल देते हैं क्योंकि मम्मी का ऑर्डर है, तो फॉलो तो करना पड़ेगा। बहुत घास होती है इधर, इसमें खरपतवार नाशक भी मिला रखी है। तो आधे में इसकी बैटरी हो गई डाउन पंप की, तो हम इसको खोल के यहाँ से इसमें नोजल में लगा देता हूँ, फिर ये हैंडल चला के करूँगा स्प्रे। यहाँ पे कुछ अजीब सा देखने को मिला है मेरे को, यहाँ कीचड़ बहुत ज़्यादा है। वो मेढक ने मेढक को दबा लिया है मुँह के अंदर, भाग गया पानी के अंदर। अभी यार प्रॉब्लम ये हो गई है कि बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई है और यहाँ मेरे को स्प्रे करना पड़ा है इस हैंडल से। और हालत हो जा रही ख़राब हैंडल से करने में, बट प्रेशर अच्छा बन रहा है, पावर अच्छी जनरेट हो रही है हैंडल से। धूप भी आ गई है तो पसीना कुछ ज़्यादा निकलने वाला है। इधर तो पैर बहुत ज़्यादा डूब रहे हैं बैटरी डाउन होने की वजह से, हैंडल से यूज़ करना पड़ रहा है इसको। बट अभी इसमें भी दिक्कत आ गई, इसका जो यहाँ पे ढक्कन है वो पूरा अनस्क्रू हो गया था खुद ही, शायद लूज़ होगा, तो उस वजह से फिर मुझे फिर से इसको उतारना पड़ा। ऊपर से इसको चढ़ा रहा हूँ तो ऊँची जगह पर रखना पड़ता है इसको थोड़ा सा। दोनों फीतों को ऐसे खींचते हैं और यहाँ फिट करते हैं और फिर उड़ जाते हैं हम के साथ, और ये करता है स्प्रे। चौथी टैंक भी ख़त्म हो चुका है, अब बचा ये वाला पोर्शन लास्ट एंड तक और करना है। शायद दो टैंक्स और लगेंगे उसके बाद रहूँगा फ्री। चलो चलते हैं टैंक नंबर फिफ्थ को भरने। मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। यहाँ पे काटी जा रही है कुट्टी गाय भैंसों के लिए, ये मोटर वाली मशीन है उससे काटते हैं हम। और ये हमारा अनार का पेड़ है। ये वाले एरिया में हमको कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करना है क्योंकि यहीं पे ज़्यादा बीमारी लगी हुई है। पांचवा टैंक भी खत्म, पांच टैंक खत्म करने के बाद अभी छठा जा रहा है। एक टैंक और मैंने बचा रखी है इंसेक्टीसाइड की, वो डाल दूंगा इनके खेत में, इनको भी हेल्प हो जाएगी थोड़ा सा। स्प्रे का काम तो पूरा हो गया, नहा भी लिया मैंने, पैरों में बहुत जलन हो रही है उसके बाद, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स पहने थे, पत्तों से पैर कट गए। जो भी मैंने स्प्रे किया वो पत्तों से मेरे साथ साथ पैरों में लगता गया, उसका पता नहीं लगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी स्प्रे करो तो फुल स्लीव्स ही पहनना, हाथों में भी और लोअर्स भी। खेत है ये भाई, पूरा उधर तक किया है स्प्रे, उधर उधर पूरा उस कोने से। तो ये है व्यू और अब करते हैं हम साइन ऑफ। तो ये ब्लॉग एंड होता है यहीं।